बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2024 में आ चुकी है। देखिए BSPCL क्या है, जो बिहार की तरफ से बिहार के अंदर वैकेंसी है, BSPHCL टेक्निकल थर्ड और अदर वॉरियर्स पोस्ट है, यानी पांच पोस्टों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्लीट इसकी नोटिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इसकी बात करें कि एप्लीकेशन डेट की बात करें क्या है, पहले तो इस जो वैकेंसी का नाम क्या है, BSPHCL टेक्निकल थर्ड और अदर वॉरियर्स पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए 26 जून से लेकर 19 जुलाई 2024 यानी आप एक महीने तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस की बात कर देखिए क्या है, फीस जनरल BC और EBC के लिए फीस 1500 रुपये फीस रहने वाली है, SC ST के लिए 375 रुपये फीस रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें देखिए यहाँ पर एज लिमिट 21 साल से लेकर 37 साल ये एज लिमिट रहने वाली है जनरल वालों के लिए, और SC ST और जैसे पांच पोस्ट है ना, तो पांच पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो एज लिमिट रखी गई है, और मिनिमम जो एज की गणना आपकी की जाएगी 31 अगस्त 2024 से की जाएगी। देखिए इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पांच पोस्ट कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले तो टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बिहार BSPHCL अब वॉरियर्स पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है आप देखिए क्या है, टेक्निकल ग्रेड थर्ड की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं, और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, और JEE जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, साथ ही साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है, पांच पोस्ट है, ठीक है। ये क्या है इसकी बात करेंगे, इसमें देखिए आप देख सकते हैं, इसको हम पहले आपको इसे समझाने वाले हैं, पहले तो आपको शॉर्ट नोटिस पढ़ा देंगे, फिर पांचों की जो जो जॉब है, पांचों की जॉब है, जॉब का नाम बताया मैंने आपको अभी क्या है, उन अलग अलग नोटिस दिए गए हैं, अलग अलग नोटिस जो BSPCA की जो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से नए नए पांच नोटिस दिए गए, उन पांचों नोटिस को आपको बता दिया जाएगा, और क्या क्या एज लिमिट रहने वाली है, इसमें एज लिमिट की देखेंगे सबसे पहले हम, फिर एज लिमिट की बात देखेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, इसको कंप्लीट इस वैकेंसी को हम बताएंगे आपको, और जो एज जो आप फॉर्म फिल करने की डेट हमने बता दी, ऑनलाइन मोड पर रहेगा 20 जून से लेकर 19 जुलाई 2024 तक आप एक महीने तक की डेट रहने वाले हैं आवेदन की। आप अगर आपके पास जो भी आप पांच पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास है, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, और फीस भी आप देख सकते हैं, फीस भी हमने बता दी है। तो देखिए एक बार आप देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड थर्ड, इसमें है ना 2000 पोस्ट है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए एक बार पहले तो हम नॉर्मल बता देते हैं, फिर डीपली भी इसके अंदर नोटिफिकेशन भी आपको पढ़ेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। मैं अजीम खान आप सभी का स्वागत करता हूँ अजीम स्मार्ट एजुकेशन में। देखिए तो हम बात करेंगे टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए 2000 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट कितनी है, 2610 टोटल पोस्ट है, 2610 पोस्ट टोटल पोस्ट है। देखिए क्लास 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए ग्रेड थर्ड के लिए, 2000 पोस्ट है, ठीक है। अब बात करें जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए इसमें 300 पोस्ट है, और आपको स्क्रीन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, ठीक है। अब बात करें क्या है कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क के अंदर 150 पोस्ट है, इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, कॉमर्स हो या साइंस हो या आर्ट्स हो, ठीक है। अब बात करें स्टोर असिस्टेंट के लिए भी यही है क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी हाँ स्ट्रीम में, 80 पोस्ट है जो स्टोर असिस्टेंट है उसकी 80 पोस्ट दी गई है। अब बात करें जूनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग JEE के लिए 40 पोस्ट है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है, अगर आपने BE या BTEC इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में करा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की बात करें, क्या है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की 40 पोस्ट है, इसके अंदर भी आप देखिए इसके क्या है BE बैचलर इंजीनियरिंग, BTEC या इंजीनियरिंग में आपने क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियरिंग है उसके लिए मार्क्स भी है ना कि आपके अंदर जो डिप्लोमा के या क्या है आपका जो
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है, डिग्री की है, उसके अंदर आपको जो कैटेगरी वाइज आपको मार्क्स भी होने चाहिए, जिसके यू आर यानी अनरिजर्व के लिए 60% मार्क्स होने, बीसी के लिए 55% मार्क्स, ईबीसी के लिए, एससीएसटी के लिए 50% मार्क्स ही होगा। अब देखिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी आई है ना, एक बार तो ये भी देख लीजिए आप क्या है, जो क्या क्या पोस्ट है ये भी आप एक बार देख लीजिए। और अब इसकी बात करेंगे हम कि ये जो पोस्ट आई है ना वैकेंसी, ये क्या है, जो बोरी बिहार के अंदर जो बोरी पोस्ट है इसके अंदर आपको हम बात बताएं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो पोस्ट दी गई है ये पहले आई थी, अब इसको वापस से रिन्यू कर दिया गया है, वापस आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए आप देख सकते हैं कंप्लीट, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार। तो देखिए एक बार, एक सेकंड रुक जाइए, हमें जो स्क्रीन पर आ रही है, स्क्रीन पर आ रहा है देखिए। तो देखिए एक बार ये देख लीजिए क्या है, ये जो पोस्ट इसकी बात करेंगे क्या है, ये पहले आ चुकी थी, इसकी डेट अब वापस रिन्यू कर दी गई है, जो एग्जाम डेट है सितंबर और अक्टूबर 2024 रखा गया। देखिए एक बार देख लीजिए, अब हम क्या सिलेबस पढ़ा रहे हैं सभी के, जैसे सबसे पहले हम बात करें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से क्या है, टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए बात करेंगे। आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए इसके टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए 2000 पोस्ट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए अंदर क्या है ना, यूआर के अंदर जो अनरिजर्व है, गर्ल्स है, वुमेन, ये आप देख सकते हैं क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 2000 पोस्ट है, किस किस के लिए, कितनी कैटेगरी के लिए क्या पोस्ट है, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वालिफिकेशन में हमने बता दिया आपको क्या है, आपके पास 10 पास और क्या होना चाहिए, बस आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब बात करिए, देखिए ये भी आप देख सकते हैं, जो सैलरी रहेगी आपको 9200 से लेकर और 15000 तक रहेगी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, देखिए एज लिमिट भी आपको देख सकते हैं, एज लिमिट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। एक बार एज, जब भी आप कोई भी नोटिस पढ़े ना एक बार वापस क्या कर लेना चाहिए, पूरा नोटिस, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं पर इतना टाइम नहीं मिलता, पर आप जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं, पर आपको क्या करना, पूरा नोटिस से एक बार फॉर्म फिल करने से पहले पूरा नोटिस रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और रिजर्वेशन कैटेगरी भी दे रखी है, इसमें रिजर्वेशन आपके लिए दिया जाएगा, फीस के लिए हमने बता दिया, फीस के लिए सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करें, देखिए ये कंप्लीट आ गया, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज है इसके अंदर और रीजनिंग है इसके अंदर, जनरल हिंदी है जो 10th लेवल की है, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश है। अब बात करें, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है और जो आपके लिए, जो आपके आईटीआई के अंदर आपने जो करा आईटीआई को डिप्लोमा किया था उसके लिए भी, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उस ट्रेड में भी रहेंगे। देखिए ये तो हमने पढ़ा, टेक्निकल ग्रेड थर्ड की जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ा, 2000 पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करें हम, देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात देखिए अगली नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं हम, जूनियर अकाउंटेंट कलर की, ठीक है, इसके अंदर कितनी है, 300 पोस्ट है। आप जूनियर अकाउंटेंट जो कलर्क हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप देख सकते हैं, और आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, हाँ भाई मेरी जो ये कैटेगरी है और इसके अंदर इतनी वैकेंसी है, ठीक है। आगे बात करें, क्वालिफिकेशन आपको देख सकते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर। आप बात करें, देखिए ये आपको सैलरी भी दिखाई दे रही है, सैलरी भी वही है 9200 से लेके 15000 तक, और साथ ही साथ एज लिमिट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, क्या है, एज लिमिट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कंप्लीट, और रिजर्वेशन कैटेगरी भी, ये आपको फीस भी सेम रहेगी, और इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये हम इसको आपको समझा दिया है। अब ये जो सिलेबस है आप सिलेबस भी देख लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट कलर का जो सिलेबस है वो भी सिलेबस आप देख लीजिए, क्या है, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, लोकल रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, और साथ ही साथ हिंदी होगी 10th लेवल की। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट जो जॉब है, नेक्स्ट पोस्ट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए कॉरेस्पोंडेंट कलर और स्टोर असिस्टेंट, ठीक है ना, इसकी देखिए 80 पोस्ट है टोटल, सॉरी जो कॉरेस्पोंडेंट कलर के उसके लिए 150 पोस्ट है, और स्टोर असिस्टेंट उसके लिए 80 पोस्ट है, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। देखिए हम इतने पसीने में भी आपको वैकेंसी लेकर आए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काफी मेहनत पड़ती है बनाने में, और आप एक लाइक तो बनता ही है आपका, ठीक है। अब बात करें, देखिए कॉरेस्पोंडेंट कलर्क और स्टोर असिस्टेंट, इसके अंदर भी आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए,
ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से। देखिए अब बात करें कि आप देख सकते हैं फी इसमें भी वही दे रखी है, सैलरी दे रखी है, सैलरी के साथ साथ एज लिमिट भी दे रखी है। एज लिमिट भी आप देख सकते हैं क्या क्या कैटेगरी के पास वाइज, कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है, कैटेगरी वाइज ही एज लिमिट दे रखी है, ठीक है इसमें। और फीस भी सेम रहेगी। और आप देखिए ये कंप्लीट है। अब हम इसको एक बार सिलेबस बता दें, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क का सिलेबस और स्टोर असिस्टेंट का सिलेबस भी आप देख लेते हैं। देखिए जनरल नॉलेज होगी 10th लेवल की, और क्या है एप्टीट्यूट होगा, हाँ एप्टीट्यूट होगा 10th लेवल का जनरल, और हिंदी होगी ये भी 10th लेवल की। अब देखिए लोकल रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये तो सबकी सेम चल रहा है, ठीक है। अब बात करें, देखिए आगे बात करते हैं, हाँ टोटल ये पढ़ लिया हमने। अब देखिए आगे बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी जीईई के लिए पोस्ट क्या रहने वाली है। 40 पोस्ट है इसमें, 40 पोस्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। क्या है, हम 10 मिनट के अंदर हमारा जो वक्त होता है पूरी नोटिफिकेशन बताने का, आप 10 से ऊपर हो गया है, जल्दी से जल्दी हम इसको आपको बता देते हैं। एक बार क्या आपको रीड आउट जरूर, जिस भी नोटिस पढ़े ना, जिसकी जिस भी पोस्ट के आप लिए फॉर्म फिल करें उसका आप नोटिस अनिवार्य रूप से पढ़े, ठीक है। अब ये एज लिमिट हो चुकी है, एज लिमिट भी आप देख सकते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। रिजर्वेशन भी फीस वही रहेगी सभी के लिए सेम, पांचों पोस्ट के लिए फीस सेम रहने वाली है। और देखिए इसके अंदर सिलेबस भी देख लेती है, जे डबल ई जूनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की क्या सिलेबस है, सिलेबस भी देख लीजिए। जनरल नॉलेज वही 10th लेवल का, और लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश होनी चाहिए, और ये आपको देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और आप ये पूरा एक बार सिलेबस को भी आप रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए क्या है, आगे पोस्ट की बात करें, अपनी वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए भी 40 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये आप किस कैटेगरी में आपकी लीप पोस्ट है और आपके अब ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन इसमें अंदर थोड़ी सी बड़ी है, अगर बीई बैचलर इंजीनियर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ आपने किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर इसके अंदर क्या है मार्क्स भी, जैसे अनरिजर्व के लिए क्या है 60% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने अनिवार्य होने चाहिए इसमें आपका बैचलर डिग्री के अंदर, ठीक है, बीई बीटेक के अंदर, जब आप इसका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो को इंजीनियरिंग है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते। देखिए आप देखिए ये भी, हाँ ये वाला भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट भी, आप देख सकते हैं एज लिमिट भी देख लीजिए, और फीस सेम रहेगी, वो सेम रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने आपको पढ़ाया, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं अजीम खान आप सभी से अलविदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें, अपनों का नाम ध्यान रखें, और बच्चे बूढ़े महिलाओं से इनको सम्मान करना, और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और जो भी आपके दोस्त यार मित्र सब क्या कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस चैनल पर इंडिया के अंदर जितनी भी नोटिफिकेशन आती है ना सभी को आपको लेके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना नोटिफिकेशन में, हम क्या है जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं आपको, तो क्या है नोटिफिकेशन हमको आपको क्या बस ओनली दिखाना पड़ता है कि हाँ ये वैकेंसी आ चुकी है, आप फॉर्म फिल कर दो, पर आपको जो डीपली है ना वो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जय हिंद।